जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल धक्कड़ जानकारी में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज की जो धमाकेदार वीडियो आपके लिए है वह है दोस्तों अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। दोस्तों इस योजना का हमने पहले भी विस्तार से वर्णन किया हुआ है अपने चैनल पर, बड़ी से बड़ी अपडेट अपने चैनल पर डाली हुई है। तो दोस्तों वह वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अब जो नई खबर निकल कर आई है दोस्तों वह आपके सामने मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार दिन प्रतिदिन आगे निरंतर जितने भी गरीब लाभार्थी परिवार हैं उन सभी के उत्थान का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इसकी टोटल विस्तार से आज की वीडियो में हम आपको समझा देंगे। आपको अदर्स वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे जो हम आपको आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों DC गुरुग्राम यहाँ पर आपको इसकी तरफ से यह 8 घंटे पहले ही ट्वीट के माध्यम से श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यह ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, उसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों का आयोजन कर रही है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों का आयोजन कर रही है। 18+ विभागों के तहत 55+ योजनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। फर्स्ट माइल सिटीजन तक पहुंचाने के लिए सरकार 1 लाख प्रति वर्ष कम आय वाले परिवारों को आमंत्रित कर रही है। दोस्तों यहाँ पर जो आप सामने पिक्स भी इन्होंने डाली हुई है जो 8 घंटे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि आपकी और आपके परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए सभी विभाग एक साथ जल्द होगा अब काम। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने इन्होंने जो परचून की दुकान जिसे हम बोलते हैं यह सामने इसीलिए दर्शाई गई है क्योंकि दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपको अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों यदि आपको लोन मिलता है तो लोन के माध्यम से आप कोई भी स्वयं रोजगार छेड़ सकते हैं, स्वयं रोजगार आप स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो एक साइड में आपको अन्य जो नजर आ रहे हैं यह अधिकारियों के साथ में जो मीटिंग है वो यहां पर अटेंड की गई है और पीछे इन्होंने बैनर भी लगाए हुए हैं, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में हरियाणवी भाषा में आपको समझा देता हूं कि 18+ विभाग हैं और जिनमें से 55 योजनाएं दोस्तों आपको अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आगे आगे मिलने वाली हैं क्योंकि दोस्तों अभी अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का क्या है वह है दोस्तों आपको जो 1,80,000 रुपये से कम जिस भी परिवार की है उससे भी दोस्तों 1 लाख से भी कम आपके जितने भी परिवार हरियाणा के अंदर आते हैं उन सभी को लोन प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है दोस्तों उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लोन प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आपको यदि लोन मिल जाता है तो लोन से आप कोई भी बिजनेस जिसको बोलते हैं स्वयं रोजगार हम वह छेड़ सकते हैं, उसको यहाँ पर चला सकते हैं, अपने अपने स्किलिंग के अनुसार हम यहाँ पर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, पीछे से हमने एक वीडियो को अपलोड किया था अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो लोन अमाउंट होता है वह कितना होता है, उस वीडियो में हमने क्लियर से आपको बताया है। अगर यह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको नजर आ रही है, साथ के साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको फ्रंट पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा क्योंकि दोस्तों लोन का जो अमाउंट है वह कम से कम आपको
16 से 17 लाख रुपए तक का लोन भी यहां पर स्कीम के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के मेले में आमंत्रित किए जाते हैं तो मैं आपको, आपका छोटा भाई आपको गाइड करेगा कि आप उस मेले में पार्टिसिपेट यानी कि भाग जरूर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप गेस करना चाहें तो 55 प्लस योजनाएं हैं आपके लिए। अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 2 से 4 योजनाओं को ही आपके लिए इस मेले में स्टार्ट किया है। अगर आपकी जानकारी के लिए आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वह योजनाएं हैं, आप सभी को उसके बारे में पता है, नहीं भी पता है, हमने 1x1 उन सभी की भी वीडियो डाली हुई है। जैसे कि आपका BPL राशन कार्ड हो गया और प्लस आपका जो लोन अमाउंट हो गया, इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सारे आयुष्मान कार्ड की जैसे ही हमने कल ही एक नई वीडियो डाली है, अगर वह भी आपने नहीं देखी है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर से देखिएगा। तो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो निचोड़ है दोस्तों लगभग हमने आपको बता दिया है। और यदि दोस्तों आपको फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से हाथों से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट माइल सिटीजन तक पहुंचाने के लिए सरकार का यह लक्ष्य है, अंतिम व्यक्ति तक हम, जिसको मुख्यमंत्री के मौखिक रूप से कई बार सुन चुके हैं कि अंतिम व्यक्ति तक उनका यहाँ लक्ष्य होता है कि उन सभी के परिवारों को जो आर्थिक सहायता है किसी भी प्रकार की वो आपको दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके भाई बहन साथी, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ।